आजकल तो हम कभी बिल्स की अदायगी भूल जाते हैं तो कभी स्कूल की फीस जमा कराना। कभी-कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपना चश्मा कहाँ रख के छोड़ दिया, जबकि होता वो हमारे माथे पे है। कभी-कभी दिन का खाना भूल जाते हैं तो कभी-कभी रात को घर वापस लौटना। कभी जुराबे उतार कर कहाँ रख दी ये भूल जाते हैं तो कभी हमें जाना कहाँ था। जम्मू कश्मीर में जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ के मसाइल का बुहरान बिल्कुल वाज़ह है। बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर से बाहर आने वाले एदाद-ओ-शुमार ने सिर्फ एक तस्वीर पेंट की है जो दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में, जिसको हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली की तरफ से शाया की गई एक मुश्तरका तहकीक का हवाला दिया है, जम्मू कश्मीर में 11% लोग डिमेंशिया का शिकार हैं। इन 11% में से 60% से ज्यादा अल्जाइमर्स की बीमारी से भी मुतासर होने का खतरा है। दरहकीकत डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं बल्कि दिमाग को मुतासर करने वाले कई डिसऑर्डर्स को समेटती है। एक पैन इंडिया स्टडी के मुताबिक, एक स्टडी जो ऑल इंडिया लेवल पे की गई थी, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में डिमेंशिया का फैलाव, डिमेंशिया के केसेस बाकी मुल्क के मुकाबले में ज्यादा है। इस स्टडी डीप फेनोटाइपिंग एंड जेनोमिक डेटा फ्रॉम अ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव स्टडी ऑन डिमेंशिया इन इंडिया, इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग आबादी यानी एल्डरली पॉपुलेशन में डिमेंशिया का फैलाव मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। यहाँ 11% डिमेंशिया का फैलाव है जबकि नेशनल एवरेज 4.7% है। इसके बरक्स दिल्ली में सबसे कम डिमेंशिया का फैलाव है, यानी इस रिपोर्ट में दिल्ली में 4.5% दिखाया गया है, वही हरियाणा में 5.8% का फैलाव है। ऐसी जो रियासतें जिनमें तशवीशनाक फैलाव है वो है ओडिशा जहां 9.9% है और वेस्ट बंगाल जहां 9.2% फैलाव है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन में डिमेंशिया 5.8% मर्दों के मुकाबले 9% है, यानी कि खवातीन में डिमेंशिया की तादाद मर्दों के मुकाबले में 2 गुना पाई गई। दिही यानी रूरल एरियाज में 8.4% ज्यादा, यानी रूरल एरियाज में जो प्रेविलेंस है वो अर्बन एरियाज से ज्यादा है, हायर है। अर्बन एरियाज में 5.3% डिमेंशिया का फैलाव है और इससे दिही सेहत की सहूलियात में तशखीस को बढ़ाने की फौरी जरूरत की निशानदही होती है। तखमीना शुदा फैलाव उन लोगों में 10% था जो बिल्कुल तालीम नहीं रखते थे, जबकि इन लोगों में 4.5% था जिन्होंने प्राइमरी सतह की तालीम हासिल की थी और 1.5% उन लोगों में जो 8वीं और इससे ऊपर की क्लास तक पढ़े थे। नाजरीन, अगर देखा जाए तो डिमेंशिया एक वाहिद मसला नहीं जो जम्मू कश्मीर के जहनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ के मंजरनामे को मुतासर करता है। कश्मीरी आबादी में एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD जैसे मसाइल भी काफी तादाद में पाए जाते हैं। साल ब साल रिपोर्ट्स कश्मीर में मेंटल हेल्थ की बिगड़ती हुई हालात का नक्शा बनाती रहती है। और यहाँ ये बोलना भी जरूरी है कि जो COVID-19 के दौरान या उसके बाद से सुसाइड्स में इजाफा हुआ है, उससे एक ऐसे बहरान के बारे में भी खतरे की घंटी बजाती है जो कि बदतर होता जा रहा है, और अब ये डिमेंशिया। नाजरीन, जहां हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, केयर करते हैं, वैसे ही हमें मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, न सिर्फ खुद की बल्कि खुद के मुंसलिक लोगों की भी। और अब इस शुमारे के इख्तिताम पे एक शेर है। किसी ने क्या खूब कहा है, यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिज मेरा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।